जय हिंद। मैं अमित, आर्ट्स क्लासेस के अमित सर, और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मैं लेकर आया हूं। बच्चों, आप लोगों का जो 12th का एग्जाम देने वाले हैं, वैसे विद्यार्थी के लिए 12th का जो एग्जाम दे रहे हैं, वैसे विद्यार्थी का परीक्षा 1 फरवरी से है, और जो 10th का एग्जाम देने वाले हैं उसका 17 फरवरी से उसका परीक्षा है। मतलब बहुत बड़ी बात है कि इस कोरोना महामारी में भी हमारे बिहार बोर्ड द्वारा 12th और 10th के एग्जाम को कराया जा रहा है। बच्चों को पहले वैक्सीनेशन कराया जाएगा, उसके बाद बोर्ड एग्जाम में परीक्षा देने के लिए जाएंगे। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि 5 जनवरी के बाद जब क्लास बंद हो गया, तो समझ लीजिए कि हम लोगों के पास अभी इंटरमीडिएट पढ़ाने के लिए कम से कम 6 महीना पहले जो लॉकडाउन लग गया था, और लॉकडाउन के वजह से हम लोग का सिलेबस जो है थोड़ा सा तेजी से निकल भी रहा था। अब तो 3-4 महीने लगातार चल रहा था, तो बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ा भी रहे थे, लेकिन एकाएक जो सरकार ने बंद कर दिया, जिसके वजह से सिलेबस सही तरीके से एक आध चैप्टर किसी बैच में बच गया, जो बैच लेट से शुरू हुआ तो उसमें बच गया, कुछ पहले शुरू हुआ था तो उसमें तो खत्म भी हो गया। तो बहुत तरह का बात हुआ, जो बैच मतलब दिसंबर में मतलब कहता है नवंबर में शुरू ही हुआ था, तो वैसे बैच में भी थोड़ा बहुत आया परेशानी, सेंटर एग्जाम बीच में हुआ तो उस समय छुट्टियां जो पड़ गया, जिसके वजह से बहुत सारे ऐसे बैच हो गए जिसमें एक आध दो चैप्टर 5 चैप्टर छूट गए। तो वैसे विद्यार्थी जिसका क्लास 10th और 12th का जो सिलेबस छूट गया, मतलब कहने का अर्थ है कि 1 फरवरी से अगर 12th का एग्जाम होता तो हम लोग कम से कम 25 तारीख तक जो बैच लेट से शुरू हुआ था 25 तारीख तक पढ़ाते। कहने का मतलब है कि 20 दिन कम से कम उन लोगों का क्लास और चल सकता था, और 20 दिन में एक दो चैप्टर बचा हुआ था तो इत्मीनान तरीके से खत्म हो जाता। अब रही बात कि बहुत सारे क्लास 10th के भी बैच ऐसे थे जो लेट शुरू हुए थे, तो उसमें भी बहुत सारे छुट्टियां और लॉकडाउन के वजह से बहुत सारे एक आध दो चैप्टर बच गया, और एकाएक जब 5 तारीख को लॉकडाउन लगा तो एकाएक बंद हो गया, तो बहुत सारे गाइडलाइन जो करना था बच्चों को नहीं कर पाए, जैसे कॉपी कैसे लिखे, परीक्षा सेंटर में जाए तो किस तरह से आप अपने को मतलब कहता मैनेज करें, क्या परीक्षा सेंटर में किस टाइप से आपको खाना है पीना है, किस टाइप से आपको जाना है, किस टाइप से, जैसे बहुत सारा बच्चे ऐसा हुआ भात उत इतना खाक चला गया कि मतलब परीक्षा में अस बस हो रहा, पूरा परेशान है और लिख भी नहीं रहा, तो ऐसी समस्या भी आ जाती है बच्चों को। तो वो सब में है कि मतलब जाते वक्त जैसे 9 बजे परीक्षा है तो हल्का 2 रोटी खा लेंगे हम, चावल खा लेंगे हल्का मान लिया गया, या तो फल फ्रूट्स खाकर हल्के भोजन करके जाएंगे, जिससे कि मतलब व्यस्तता हमारे शरीर में नहीं, और इतना भोजन से हम भारी हैं कि कलम क्या उठेगा, शरीर नहीं काम कर रहा, तो ये सब भी हो जाती है। तो वो सब पर भी बहुत सारे हम डिस्कस करते थे क्लास में, बहुत मजे से डिस्कस करते थे, लेकिन और जो बंद हो गया नहीं, उसके वजह से हम लोग को बहुत परेशानी आ गया। अब जैसे कि बहुत सारे बच्चे को PDF दे दिए, तो बहुत सारे PDF के माध्यम से भी बहुत सारे जो बचा खुचा था, जैसे व्याकरण का सारे को PDF दे दिया गया, उसके बाद 12th का जितने भी ऑब्जेक्टिव था सारे ऑब्जेक्टिव को दे दिया गया PDF, उसके बाद और थोड़ा बहुत बचा खुचा रहेगा तो उसका PDF मिल जाएगा। और बच्चों आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि आज कितना तारीख, 17 तारीख है ना, कल 18 तारीख, 16 तारीख सॉरी है ना, आज 16 तारीख है तो कल 17 तारीख हो जाएंगे है ना। तो 17 तारीख से समझ लीजिए कि 17 तारीख से कल आप लोग को द बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस अमित सर नाम का एक चैनल बना हुआ है। बार बार चैनल को चेंज करना तो दिक्कत हो जाता है बच्चों के बीच में, तो हम लोग मतलब पूरे खुल कर नहीं आ पाते हैं यूट्यूब पर, तो मतलब जो है जरिमाने जब लॉकडाउन आर लगता है या कोई समस्या होती है तभी हम लोग आ पाते हैं, तो वही चैनल रखे द बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस अमित सर नाम का एक चैनल है, उस पर हम 10th क्लास और 12th क्लास के जो बच्चों का छूट गया, जैसे कुछ व्याकरण का पोर्शन छूट गया, व्याकरण का कुछ भाग छूट गया किसी का बैच में, तो उसको व्याकरण क्लियर कर देंगे,
कोई बैच में मतलब कहता है कि एकावो चैप्टर ज्योग्राफी का छूटा हुआ है तो उसको क्लियर कर देंगे, और निबंध लिखने के प्रति आपको जानकारी दे देंगे, गद्यांश कैसे बनाना उसकी जानकारी दे देंगे। जहां तक अति आवश्यक हो जाएगा यानी 10 दिन मान लीजिए कि 12th के लिए टाइमिंग है तो 12th के लिए मेहनत हम कर देंगे और 10th के लिए भी मेहनत कर देंगे, काहे कि कोई गारंटी नहीं है कि 21 तारीख के बाद क्लास खुल जाए। अगर क्लास खुल गया तो बहुत बड़ी खुशखबरी है समझ लीजिए, अगर मान लिया अगर खुल गया तो हम ही नहीं कह रहे हैं कि खुल गया, खुल जाए तो एक समय लिए खुशी की बात होगा कि क्लास में आप लोग बैठकर आकर पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं रहेगा। लेकिन अगर नई क्लास खुला तो 10 दिन इन्हें टाइम बचा हुआ मान लीजिएगा, लगभग 10 दिन आप रखिए, मतलब 10 दिन बचा हुआ है तो एक टाइमिंग बना देंगे जिसमें मतलब व्याकरण तो 12 और 10 के लिए दोनों के लिए होगा। तो समझ लीजिए जो चैप्टर 12th का छूटा हुआ है उसको एक वीडियो के माध्यम से हम बनाकर द बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर डाल देंगे, वीडियो बनाकर डाल देंगे, आप देख लीजिएगा उसको। दूसरा नंबर 10th का कोई विद्यार्थी है तो जो छूटा हुआ चैप्टर उसका भी डाल देंगे, व्याकरण दोनों के लिए सेम होगा। उसके बाद अलग कुछ जैसे ज्योग्राफी डालेंगे या कोई चीज डालेंगे, निबंध डालेंगे, जैसे व्याकरण निबंध ये सब दोनों के लिए एक होंगे। लेकिन बात रही कुछ अलग ज्योग्राफी जैसे 10th के लिए डालेंगे तो वो अलग रहेगा। तो जो जिसको आपका छूटा बढ़ा हुआ है मतलब निचोड़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 12th क्लास में एक बैच में कुछ चैप्टर छूट गए थे तो उनको हम क्लियर कर देंगे, 10 दिन का टाइमिंग है हमारे पास तो ऑनलाइन के माध्यम से हम लाइव डायरेक्ट नहीं आ पाएंगे लेकिन वीडियो बनाकर डाल देंगे, जब स्वेच्छा होगा तब आपको डाल देंगे लाइव में कि 1 घंटा आपके तरह लाइव आएंगे। लेकिन 9, 10 सबको देना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाना है तो मन हुआ जखने बना के हम डालते चले जाएंगे, आप देख लीजिएगा। तो 12th का किसी का अगर छूटा हुआ हो तो उसका हम भरपाई कर देंगे, एक 10th का किसी का कोई छूट गया है पॉइंट तो उसका हम भरपाई करने का पूरा प्रयास करेंगे बाबू, और करेंगे भी। और दूसरी नंबर बात है कि आप लोग जो पढ़ाएं उसको मेहनत कीजिए, बार बार ऑनलाइन फोन लाइन के फेरा में बहुत कम रहिए, परीक्षा बहुत नजदीक है, आप लोग का परीक्षा होगा तो जो बचा ले उसको ऑनलाइन के माध्यम से हम क्लियर कर देंगे, बाकी जो पढ़ाएं उसको अपने आप से कीजिए, स्वयं से कीजिए, स्वयं से मेहनत कीजिए, अपने से लगिए। ताल अपने से नहीं मेहनत करोगे ताल कुछ हासिल नहीं हो सकता है। आज आदमी मान लिया अगर दो व्यक्ति को आप उदाहरण लेते हैं, एक इंसान ऐसे है जिसको साइकिल, दो आदमी है दोनों को साइकिल चलाने के लिए सिखा दिया गया, एक वो है कि अपने से पर डे चला रहा है तो उसका लेवल कुछ अलग होगा, और एक इंसान ऐसा है जो आज सीखा और ओकर बाद सीख गया, दोनों चलाने साथ ही सीखा था, एक आदमी बड़ा जो है ये लगातार प्रैक्टिस में रोज दिन चला रहा जा रहा आ रहा है तो इसका अलग अनुभव होगा, और ये इंसान छोटका जो है ये क्या करता है कि एक बार सीख लेता है उसके बाद बिंदास होकर छोड़ देता है कि चलो अब ससुराल आ जाए, बारी आएगा तब चला जाएंगे। बताइए ये तो गिर बजड़ सकता है कि नहीं, ये बारी आएगा अपने बैठा परिवार को बैठा ऐसा हॉर्न मारा कि मतलब समझ लीजिए कि सब सुहा हुआ हो गया। तो इसी प्रकार से कि आप में ये है कि आप अगर अपने से खुद से प्रैक्टिस करते हैं, सेट अपने से बनाते हैं, अपने से मेहनत करते हैं, मान लीजिए सर मैथ्स बता दिए आपने देख लिया वो जब समझ में आ गया घर आया सब भूला गया, परीक्षा में गया तब भूला गया, तो घर बैठल बुध तेरा, बाहर गया तो मतलब कहता है कि तीन और सभा में गया तो करो लेता विधाता छीन, ये पद्धति हो जाती है। तो आप लोगों को सबको मैं एक ही बात समझाता हूँ कि अभी लॉकडाउन लग गया है, सब क्लास बंद है, टाइम टू टाइम बांट दीजिए और इत्मीनान से आप पहले पढ़िए, जो छूटा हुआ है मेकअप करेंगे और कुछ आप भी कीजिए, दोनों मिलकर काम करेंगे क्लियर हो जाएगा, और आपको एक वीडियो के माध्यम से कल से हम देंगे, आप लोग उसको पढ़िएगा, व्याकरण निबंध गद्यांश कुछ मोटिवेशनल वीडियो होंगे, उसके बाद और तमाम चीजें आपको मोटिवेट करेंगे, परीक्षा में कैसे जाना है, कैसे बैठना है, कैसे कायदा कानून निभाना है, कैसे आपको बनाना है, कौन क्वेश्चन नहीं भी आता है कैसे बनाएंगे, तो उसको आप क्लियर कीजिए। और बच्चे आप लोग सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव टिक लगवाएंगे सर बोर्ड पर मारेंगे, सो अपने से मेहनत करो, अपने से लेवल लाओ तो होगा, कुछ अपना करना पड़ेगा बाबू ताल, अपने से नहीं करोगे तो टीचर कुछ नहीं कर सकते, मैं दिशा दशा दिखा सकते हैं लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है विनती है कि आप खुद से मेहनत ज्यादा करें, खुद से करने का बात अलग होता है बाबू। आइए देखिए हमारे पास आईएएस का किताब है, देखिए
डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर से हम आईएएस का खुद तैयारी कर रहे हैं। अभी आईएएस का बुक है प्रेम मंजूषा, वो गाइड करते हैं लेकिन खुद इसको पढ़ना रहता है। एक दिन में इसको खत्म करना, दूसरा दिन ये आज खत्म होगा तो कल फिर इसको खत्म करना, इसमें मूल मूल चैप्टर को डिनोट कर दिया गया इसको खत्म करना। तो हम लोग खुद से पढ़ते हैं, खुद से मेहनत करते हैं। तो आपको भी बताता हूं कि खुद से प्रयास आप कीजिए, करोगे तो बहुत अलग होगा। आज ही किताब है जैसे मान लिया गया संविधान के भारत आजादी के बाद, तो इसमें खुद से पढ़ना पड़ता है, खुद से पढ़ रहे हैं, टीचर क्या पढ़ाए। आप मेहनत अपने कीजिए, जो पढ़ा दिए उस पर मेहनत अपने से भी कीजिए, ऐसा बात नहीं। टीचर गाइडलाइन दे सकते हैं तो मेहनत आपको करना होगा, खुद से मेहनत कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेहनत कीजिए, परीक्षा में अच्छा अंक लाइए, जो छूटा बढ़ा है उसको मेकअप करेंगे। बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, धन्यवाद, ऑफ कर दीजिए।